हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कितनी मोटी सफ़ेद बहुत ही बढ़िया मलाई निकली है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप भी इस तरीके की मोटी मलाई निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे डेयरी का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फुल क्रीम दूध जो होता है, जैसे कि भैंस का दूध होता है, वो वाला दूध इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगर गाय का दूध भी आप डाल रहे हैं तो जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे आप टिप्स यूज़ कीजिए। सबसे पहले अगर आप डेयरी का दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसे छान लीजिए किसी छलनी से, क्योंकि उसमें कभी कचरा वगैरह हो सकता है। ये आप हमेशा जब भी बाहर से दूध लाते हैं तो ये ज़रूर करिए। किसी भी पतीले में जहाँ पे थोड़ी सी उसमें जगह हो, अगर इस दूध में बॉईल आता है, उबाल आता है, तो थोड़ी सी ऊपर एक्स्ट्रा जगह हो, इस तरीके के आप किसी भगोने या पतीले में आप अपना दूध निकाल कर रख लीजिए। अब इस पतीले को हमें गैस पे रखना है। हमारी जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल लो रखनी है आपको। जो दो बर्नर होते हैं गैस के, एक फास्ट वाला होता है बड़ा बर्नर, एक छोटा बर्नर होता है, तो छोटे वाले बर्नर में मैंने यहाँ पे दूध रखा है और उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। साथ में यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, ताकि अगर मेरी नज़र यहाँ वहाँ हट जाए तो ये बॉयल होके पतीले से बाहर ना निकले। आप भी ऐसा ज़रूर करें। अगर आपकी गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो है और दूध उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उसे हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, हल्का सा हाई कर सकते हैं। आपको दूध को ज़्यादा टाइम लेके बॉईल होने देना है, तभी जो दूध के अंदर की मलाई होती है वो अच्छी तरीके से जमा होकर ऊपर फ्लोट होने लगती है। देखिए, हमारा दूध बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है, मलाई ऊपर आ गई है, अब ये उबलने ही वाला है। जब ये उबलने पर आ जाए तो आपको गैस बंद नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हाइट में आ जाता है दूध तो गैस बंद कर देते हैं, उसी वजह से हमारी जो मोटी मलाई है वो नहीं निकल पाती है। जब ऐसे बॉईल आ जाए आपके दूध में, तभी भी आपको गैस वैसे ही रखना है चालू ही, ताकि इसमें और थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा बॉईल हम दूध को दे पाएँ। अगर घी लगाने के बाद भी आपका दूध पतीले से बाहर निकल रहा है तो आप इसे फूंक लगाइए या फिर किसी प्लेट से हवा दीजिए, ताकि वो बाहर ना निकले और वो अंदर की तरफ हो जाए। तो इसी तरीके से कम दूध बॉईल होने के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दूध को गैस के ऊपर देना है, ताकि दूध के अंदर की जो भी मलाई है वो अच्छे से उबल कर आपके जो दूध है उसकी ऊपर वाले लेयर में आ जाए। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही मेन सीक्रेट है जिसके वजह से किसी भी दूध पर अच्छी मलाई आती है। 5 मिनट हो जाने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है और इसे बिल्कुल ठंडा करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लाना है। उसके बाद ही हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आप इसे बिल्कुल भी ढक्कन से ना ढकिए, अगर ढकेंगे तो मलाई मोटी बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो देखिए, अच्छा बॉईल आ चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे ढकूंगी नहीं। अगर आपके पास कोई छलनी है जिसमें छेद होते हैं, आप चाहें तो उससे ढक सकते हैं, ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर निकल पाए, ना कि अंदर आए। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। इसे बिना ढक्कन के ठंडा होने दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है हमारा। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आप फ्रिज के किसी भी हिस्से में इसे रख सकते हैं। इसे हमें बिल्कुल अभी छेड़ना नहीं है। कम से कम 8-9 घंटे हमें इसे फ्रिज में रखना है और इसके दूध को इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरीके से आप भी याद रखें। तो चलिए, अभी 8-9 घंटे हो चुके हैं, हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने उसे फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। इस दूध को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। अगर आपको भी दूध की ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई और दूध लें, इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। अच्छे तरीके से इसे ठंडा होने दें। जब आप फ्रिज में से निकाल लेंगे तो इस तरीके से किसी छुरी की हेल्प से आपको साइड की मलाई को कट करना है। अगर आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो जो मलाई है वो दूध के अंदर ही टूट जाएगी और अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से छुरी कि आपको उसे काट देना है और उसके बाद ही आपको निकालना है। देखिए, मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही हूँ इसको निकालते हुए। वैसे तो रोज़ बड़े आराम से निकाल लेती हूँ, पर आज मुझे आपको एक अच्छी मोटी मलाई की वीडियो दिखानी है, इसलिए मैं थोड़ी डरते हुए निकाल रही हूँ। बट फाइनली मैंने निकाल लिया है। देखिए, मेरे हाथ में बहुत आसानी से आ गई, बिल्कुल नहीं टूटी और कितनी मोटी लग रही। मैं आपको प्लेट के ऊपर भी रख के दिखाती हूँ। बिल्कुल साफ, स्वच्छ, सफ़ेद और बहुत ज़्यादा मोटी मलाई निकली है। एक ही दिन के दूध में मैंने ये एक बड़ी वाली कटोरी, अगर मैं इसको फोल्ड करके किसी बाउल में डालती हूँ तो कम से कम ये बड़ी कटोरी मलाई होगी। इसी मलाई का मैं घर पे घी भी बनाती हूँ, बहुत आसानी से जमा कर लेती हूँ। 15 दिन की मलाई में ही मैं आराम से 1 लीटर घी बना लेती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस टिप्स और ट्रिक्स से अगर आप मलाई निकालेंगे तो आपकी भी दूध की मलाई बहुत बढ़िया और बहुत मोटी निकलेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं
हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी भी दूध की इस तरीके की मलाई निकल पाई या नहीं निकल पाई। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।